हाय, मैं हूँ अमृता। मूवी की शुरुआत होती है सन 2024 फिलाडेल्फिया में, जहाँ पे हम पूरे शहर को तबाह होता हुआ देखते हैं। लेकिन तभी सीन शिफ्ट होता है और हम अतीत में यानी 1998 में आते हैं और यहाँ मूवी का मेन प्लॉट शुरू होता है और हम एक बस के एक्सीडेंट में तीन लोगों की मौत देखते हैं, एक चीफ, एक लेडी बस ड्राइवर और एक पियानिस्ट होता है। इसके बाद मूवी का मेन कैरेक्टर यानी पुलिस ऑफिसर थॉमस को हम देखते हैं, जिसकी पत्नी प्रेग्नेंट होती है। थॉमस का एक दोस्त मैडॉक्स और थॉमस का साला डिटेक्टिव होल्डिंग, इन्हें हम उसी बस के एक्सीडेंट वाली जगह पे आते हुए देखते हैं, जहाँ पे थॉमस को लेडी ड्राइवर के गर्दन पर कुछ दो निशान मिलते हैं और तभी उन्हें दूसरे जगह पे दो इसी तरह के एक्सीडेंट की खबर मिलती है, जिनके गर्दन पर ऐसा ही पंचर का कुछ निशान बना होता है, जिससे उन्हें ये एक मर्डर केस समझ आता है। थॉमस अपने साथी मैडॉक्स के साथ फॉरेंसिक लैब में पहुंचता है, जहां पर ये तीनों बॉडीज की जांच चल रही थी और डॉक्टर उन्हें बताता है कि जो निशान उनके विक्टिम के शरीर पर मिला है वो दरअसल इंजेक्शन है, जिसने सीधा उनके वर्टिब्रे को अफेक्ट किया है। डॉक्टर आगे कहता है कि उन्हें अभी तक पता नहीं चल पाया है कि किस चीज के कारण वो मारे गए हैं। इसके बाद थॉमस और मैडॉक्स वहां से चले जाते हैं और तभी उन्हें रेडियो पर से एक लड़की पर हमले की खबर मिलती है, जिसके गर्दन पर भी वही पंचर का निशान होता है और वो लड़की अभी भी जिंदा होती है, जिसे सुन वो दोनों भी तुरंत उसी क्लब में जाते हैं जहाँ पे वो लड़की थी और हॉल्ट भी वहाँ पे आ जाता है। तीनों भी उस लड़की से अटैकर्स की सारी डिटेल्स पूछते हैं, जिस पर वो कहती है कि उस पर एक ब्लैक लड़की ने हमला किया था जो कि ब्लू हुडीज में आई थी, जिसके लेफ्ट हैंड से खून आ रहा था, लेकिन वो आगे कुछ बता पाती उसी के पहले उसकी मिस्टीरियस तरीके से मौत हो जाती है। इसके बाद पुलिस पूरे टाउन के सारे ब्लैक लड़कियों को पकड़ने लगते हैं जो कि ब्लू कलर के हुडीज में होती हैं। वही दूसरी तरफ लकीली थॉमस के गाड़ी के आगे वही ब्लू हुडीज में लड़की आ जाती है, जो उन्हें देखते ही भागना शुरू कर देती है, जिसके पीछे थॉमस फिर से भागने लगता है, जिसका पीछा थॉमस करने लगता है और फिर वो सभी एक सबवे स्टेशन में आ जाते हैं, जहाँ पे वो लड़की मैडॉक्स के साथ लड़कर उसका पैर पूरी तरीके से तोड़ देती है। पर तभी वहाँ पे थॉमस आ जाता है और उसे गन पॉइंट पे पकड़ता है, लेकिन वो लड़की थॉमस को उसका फ्यूचर बताने लगती है। वो उसे उसके होने वाली लड़की के लिए कॉन्ग्रेचुलेट करती है और साथ ही उसकी पत्नी के मौत के बारे में बताती है। थॉमस कंफ्यूज हो जाता है और उस लड़की को पकड़ने के लिए जाता है। दोनों की भी काफी लड़ाई शुरू होती है, तभी थॉमस को उसके जेब में से वही इंजेक्शन मिलता है जो वो लोगों को लगाया करती थी और थॉमस उसके पैर में इंजेक्ट कर देता है, लेकिन इससे उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और आती हुई ट्रेन के सामने ही वो सीधा टकरा के मारी जाती है। अब इधर थॉमस स्टेशन से बाहर आता है। अब थॉमस को तभी न्यूज़ मिलती कि उसकी पत्नी को हॉस्पिटलाइज किया गया है, जिसके बाद थॉमस और हॉल्ट उसे देखने के लिए हॉस्पिटल जाते हैं, जहाँ पे उसकी पत्नी की डिलीवरी होती है और उसे एक बच्ची होती है, जो सुन के वो हैरान होता है क्योंकि उस लड़की ने भी यही भविष्यवाणी की थी। इसी दरमियान हॉस्पिटल में एक पुलिस ऑफिसर आता है और उन्हें बताता है कि जो लड़की थी उसके लेफ्ट हैंड में एक बुलेट मिली थी। इसी दरमियान थॉमस को डॉक्टर आके बताते हैं कि डिलीवरी के समय में कुछ कॉम्प्लिकेशंस के कारण उसके पत्नी की मौत हुई है। ये सुन के थॉमस पूरी तरीके से शॉक हो जाता है, क्योंकि उस लड़की ने यही फ्यूचर प्रेडिक्ट किया था। अब देखते देखते समय बीतता जाता है और उस मर्डरर के बारे में कुछ भी पता नहीं चलता। 9 साल बीत जाते हैं और अब साल है 1997, जहाँ पे अभी थॉमस की बेटी एमी बड़ी हो चुकी थी। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग पूरे शहर में प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं, क्योंकि आज ही के दिन 9 साल पहले उस लड़की की मौत हुई थी, जिसके बाद पुलिस ने उस केस को क्लोज कर दिया था। वो लड़की कौन थी किसी को भी नहीं पता चला। यहाँ पे थॉमस एमी के साथ अपने पत्नी के ग्रेव पर आता है, जहाँ पे उसे पहले से ही किसी के रखे हुए फ्लावर्स मिलते हैं, जिस पर वो मैडॉक्स और हॉल्ट को इसके बारे में पूछता है, लेकिन उन्होंने ये फ्लावर्स नहीं रखे थे। और तभी उसे एक और मर्डर के बारे में पता चलता है और उसका मर्डर भी बिल्कुल उसी तरह हुआ था जैसे 9 साल पहले उस लड़की का, और उसके भी गर्दन पर वैसे ही पंचर का निशान बना हुआ था। पर जब वो सीसीटीवी कैमरा चेक करते हैं तो उन्हें वैसे ही लड़की की तरह एक ब्लू हुडी पहने हुए लड़की दिखाई देती है, जिसे वो एक कॉपीकैट समझते हैं जो 1988 वाली लड़की की तरह मर्डर करने की कोशिश कर रही थी। लेकिन थॉमस को अभी भी शक रहता है और वो एक बार फिर से पुराने केस के फाइल्स ओपन करता है, जहां उसे उस लड़की का सामान में से एक की मिलती है, जिसे वो एक दूसरे पुलिस ऑफिसर को देता है ताकि वो पता लगाए कि ये किस चीज की है। वही दूसरी तरफ पुलिस को एयरपोर्ट में एक औरत की मौत की खबर आती है। उसकी मौत भी बिल्कुल उसी तरह हुई थी और जिन जिन लोगों की भी मौत हुई थी उन सबके पास एक बुक रहती है, जिसके बारे में हमें मूवी में आगे पता चलेगा। इधर पुलिस स्टेशन में थॉमस की कलीग
वो कि एक लेन की है ये बताती है, जिसे एक साल पहले यानी 1996 में बनाया गया था। लेकिन थॉमस के सामने एक सवाल आता है कि सच में ये प्लेन पिछले साल बनाया गया था तो उस लड़की के पास वो चाबी कैसे आई। अब वो कलीग थॉमस को एयरफील्ड का एड्रेस भी देती है जहाँ पे ये एयरक्राफ्ट रखा गया था। अब थॉमस और मेडॉक्स दोनों उस एयरफील्ड के यहाँ पे जाने के लिए निकलते हैं कि तभी उनकी मुलाकात फिजिसिस्ट डॉक्टर नवीन राव से होती है, जो उन्हें ब्लर्ड मून और सुपर मून की थ्योरी के बारे में बताते हैं। थ्योरी कुछ ऐसी होती है कि हर 9 साल में एक बार एक ऐसा समय आता है जिसके कारण मून की ग्रेविटी फोर्सेस इतनी बढ़ जाती है कि इससे एक ब्रिज बनाया जा सकता है जिसके थ्रू हम दूसरे टाइमलाइन में आसानी से जा सकते हैं। आगे वो बताते हैं कि जितने भी मर्डर हुए हैं वो ब्लर्ड मून के दिन ही हुए थे। लेकिन थॉमस और मेडॉक्स को डॉक्टर राव की बातें बकवास लगती है और दोनों सीधा एयरफील्ड आते हैं, जहाँ पे थॉमस की मुलाकात फिर से वही 9 साल पुराने लड़की से होती है, जिसे अपने सामने अचानक से देख थॉमस को कुछ भी समझ नहीं आता। वहीं से बीच में मेडॉक्स आ जाता है और मेडॉक्स को अचानक से अपने सामने देख वो लड़की गलती से उसे शूट कर देती है। और तभी वहाँ पे बाकी के पुलिस फोर्सेस आ जाते हैं, जिनसे बचने के लिए वो लड़की थॉमस को जबरदस्ती अपने साथ प्लेन में लेके जाती है। वो लड़की थॉमस को बताती है कि वो जो भी कुछ कर रही है वो फ्यूचर में आने वाली तबाही को रोकने के लिए कर रही है, और उसे भी वही ब्लड मून वाली थ्योरी बताने लगती है कि कैसे इसके जरिए वो टाइम ट्रैवल करके समय में कुछ वक्त के लिए पीछे आ सकती है। और ये कहती ही उसे वो पानी में नीचे गिरा देती है, लेकिन थॉमस किसी तरह तैरते हुए किनारे तक पहुंच जाता है। और अगले दिन पुलिस को किनारे पर वही प्लेन पड़ा मिलता है जो कि क्रैश हुआ था, मगर उन्हें वो लड़की कहीं पे भी नहीं मिलती। इस पर थॉमस कहता है कि वो लड़की दरअसल फ्यूचर से आई थी और हमें कभी भी नहीं मिलेगी। अब सीन वापस शिफ्ट हो जाता है और अब साल है 2006, जहाँ पे थॉमस ने अपनी जॉब छोड़ दी रहती है और वो खुद अपने गाड़ी में रहकर इस केस को सॉल्व करने की कोशिश कर रहा था। साथ ही वो डॉक्टर नवीन को भी ढूंढने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो गायब हो गए थे। वही थॉमस की बेटी एमी भी काफी बड़ी हो चुकी थी, लेकिन अपने पिता के साथ रहने की जगह वो अपने अंकल हॉल्ट के साथ रह रही थी। इधर एक रात थॉमस को 1988 में हुई होरल नाम के आदमी की मौत के बारे में पता चलता है, जिसकी मौत अनरजिस्टर्ड रहती है। और वो जब उसकी ग्रेव को सीधा खोदता है तो उसे सर का स्कल दिखाई देता है, तो उसे उसके सर के स्कल पर वैसा ही पंचर का निशान दिखाई देता है, जिसके बाद थॉमस सीधा उस आदमी के वाइफ के घर पहुंचता है और उसे हेरोल्ड के बारे में पूछने लगता है। तो उसकी पत्नी बताती है कि मरने से पहले हेरोल्ड किसी तरह का नेशनलिस्ट ग्रुप चलाया करता था, जिसने कुछ बुक्स भी लिखी थी अपने नेशनलिस्ट मूवमेंट को प्रमोट करने के लिए। और तभी थॉमस देखता है कि हेरोल्ड का भी उसी लोगों के साथ कनेक्शन था जिनकी मौत 1988 और 1997 में हुई थी। थॉमस को आगे वो लड़की ये भी बताती है कि हेरोल्ड की एक्स वाइफ अभी भी ये ग्रुप चला रही है, और क्योंकि आज ब्लड मून होने वाला रहता है, थॉमस गेस करता है कि अब नेक्स्ट टारगेट हेरोल्ड की एक्स वाइफ ही होगी जो अभी भी ये ग्रुप चला रही है। वही अब थॉमस को फाइनली ये सारी चीजें समझ आई थी। अब ये सारी जानकारी वो हॉल्ट के साथ शेयर करता है, लेकिन हॉल्ट उसकी बातों पे यकीन नहीं करता। लेकिन तभी थॉमस चालाकी से हॉल्ट का बैज अपने पास रख लेता है और सीधा हेरोल्ड की एक्स वाइफ के घर जाता है। लेकिन वहां जाने पर उसे पता चलता है कि वो ऑलरेडी मरी हुई है, और इसी बीच उसे वापस वही ब्लू हुडी वाली लड़की मिलती है, जिसे देख थॉमस उसके ऊपर शूट करता है, लेकिन वो बुलेट अपने हाथ में पकड़ लेती है। और यहाँ पे हमें समझ आता है कि 1998 में जब उसका मर्डर हुआ था तब उसके हाथ में एक रिवॉल्वर की गोली मिली थी, वो दरअसल थॉमस की ही गोली होती है। इसके बाद थॉमस उसका पीछा करने लगता है, पर वो लड़की एक सुअर लाइन में चली जाती है, जिसके पीछे पीछे थॉमस भी वहीं पे चला जाता है। और वहां पहुंचने पर उसे अंदर एक टाइम मशीन रखी मिलती है, और तभी एक तेज रोशनी आती है जिसके साथ वो लड़की गायब हो जाती है। उसी समय पुलिस भी वहां पे आ जाते हैं और उन्हें लगता है कि थॉमस ने ही उसे मार डाला है, इसीलिए वो उसे पकड़ लेते हैं, जबकि डॉक्टर नवीन ऊपर से ये सब कुछ देख रहे होते हैं। यहाँ पे दूसरी तरफ अब देखते देखते समय वापस 9 साल आगे बढ़ता है और समय आता है 2015, जहाँ पे हम डॉक्टर नवीन राव को दोबारा से देखते हैं, जो कि एक इंजेक्शन को कुछ पिक्स के ऊपर टेस्ट कर रहे होते हैं। ये इंजेक्शन वही था जिसका यूज वो लड़की लोगों को मारने के लिए करती है। वही दूसरी जगह हम थॉमस को देखते हैं, जो अभी भी इसी मिस्ट्री के पीछे रहता है, और वो भी उसी सीवर के पास रह रहा होता है ताकि वो उस लड़की को दोबारा पकड़ पाए। आज ही के दिन थॉमस की बेटी एमी की डिलीवरी होती है, लेकिन हॉस्पिटल में जाने के बजाय थॉमस इसी बीच पे उस लड़की का इंतजार करता है
क्योंकि ये दिन ब्लड मून वाला ही होता है। और जैसे ही थॉमस ने पहले सोचा था, वो लड़की वापस टाइम ट्रैवल करके इस बार अलग टाइमलाइन यानी 2015 में आती है। थॉमस उसे आते ही गन पॉइंट पे पकड़ता है और उसे पूछता है कि आखिरकार चल क्या रहा है। और यहाँ पे मूवी का प्लॉट रिवील होना शुरू होता है। वो लड़की बताती है कि उसका नाम रे है और वो एमी की बेटी है, यानी कि थॉमस उसके दादाजी है। वो आगे बताती है कि थॉमस के कहने पर ही रे ने टाइम ट्रैवल करके वो अलग अलग टाइमलाइन में जाकर लोगों को मारती थी। रे काफी कंफ्यूज हुआ था, लेकिन ये अपनी पोती है ये सुनने के बाद वो काफी इमोशनल होता है और उसे बताता है कि 30 साल पहले यानी 1988 में वो उसे मार देता है और आगे उसे रिक्वेस्ट करता है कि वो समय में और पीछे ना जाए। लेकिन रे थॉमस को बताती है कि ये चीजें ऑलरेडी होने वाली है या हो चुकी है, जिसे हम बदल नहीं सकते। इसके बाद रे वहां से चली जाती है लोगों को मारने के लिए। और वो जाने के बाद हमें मूवी में एग्जैक्टली क्या हो रहा है ये देखने मिलता है, जहाँ पे जब रे 9 साल की होती है यानी 1924 में, तभी एक आदमी यूएस के एक शहर पे बॉम्ब ब्लास्ट कर देता है जिसमें 11,000 लोग मारे जाते हैं, जिसके कारण आगे चलकर फ्यूचर में सिविल वॉर शुरू हो जाता है और पूरे दुनिया भर के देश दो देशों में बट जाते हैं, जिसके कारण ये पूरी दुनिया तबाह होने के कगार पे आ जाती है। और इसी चीज को रोकने के लिए हम फ्यूचर में यानी 2042 में डॉक्टर राव को देखते हैं, जो ब्लड मून की थ्योरी के अनुसार एक टाइम मशीन बनाते हैं, जहाँ पे वो कुछ सीरीज ऑफ इवेंट्स प्लान करते हैं कि कैसे रे हर 9 साल के गैप में समय में पीछे जाएगी और उन लोगों को मारेगी जिनकी वजह से ये सिविल वॉर शुरू हुआ है। जैसे कि हेरोल्ड, जिसने ये बुक अगर नहीं लिखी होती तो उसके फॉलोअर्स वो बुक पढ़ गए वॉयलेंस नहीं करते और ना ही कभी 2024 में ब्लास्ट होता। पर इस टाइम मशीन से सिर्फ समय में पीछे ही जा सकते हैं और इसी कारण से ये एक वन वे जर्नी रहेगी, जहाँ पे एक बार रे अगर किसी भी टाइमलाइन में चली गई तो वो फ्यूचर में वापस नहीं आ पाएगी। और इसीलिए रे एक रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में टाइम ट्रेवल करती है, जहाँ पे वो एक एक कर उन सभी लोगों को मारती है जिन्होंने हेरोल्ड की वो बुक पढ़ी थी। जैसे कि सबसे पहले 2015 में वो उन लोगों को मारती है, फिर 2006 में जाकर उस एयरपोर्ट वाली लड़की को मारती है, फिर 1997 और 1998 में उन बाकी लोगों को मारती है जो अगर जिंदा रहते तो उनके कारण ये सिविल वॉर होता, और 1998 में ही गलती से थॉमस के हाथों रे मारी जाती है। थॉमस ये सब कुछ जानने के बाद काफी हैरान होता है, लेकिन उसे पता चल गया था कि उसे फ्यूचर में जाके रे को ट्रेन करना है अतीत में जाने के लिए, और उसी तरह वो उसे ट्रेन करने लगता है। और आगे चलकर रे अतीत में जाती है और एक एक करके सारे लोगों को मारने लगती है, जिसके कारण मूवी की जो ओरिजिनल टाइमलाइन थी जहाँ पे पूरा शहर बर्बाद हुआ था वो नहीं होता, यानी कि जो भी एक्सीडेंट हमने देखा था वो मूवी के अंत में रिवर्स में होता हुआ दिखाई देता है, यानी रे ने उन सारे लोगों का मर्डर कर दिया था इसीलिए टाइमलाइन चेंज हुई थी और अब इस नए टाइमलाइन में कोई भी सिविल वॉर नहीं होता। वही अब हम प्रेजेंट में आते हैं यानी 2015 में, जहाँ पे थॉमस हॉस्पिटल में एमी के पास होता है जिसे एक बच्ची होती है और ये बच्ची और कोई नहीं बल्कि रे ही होती है। और मूवी इधर ही खत्म होती है। बाय बाय।